Hello everyone, this is Vaibhavi and welcome back to my channel. In today's video, we have made this beautiful tray out of resin. So there are going to be many chemical reactions involved in this video. So keep watching till the end. रेजिन आर्ट बनाने के लिए मैंने Amazon से परचेस किए रेजिन और हार्डनर. You can find the link in the description box. Make sure that you carry masks and gloves to protect yourself from chemicals, and it is always better to try this art in a ventilated room. अब हम लोग रेजिन और हार्डनर मिक्स करेंगे. So I am taking resin and hardener in 3:1 proportion. आपके बॉटल पे कुछ और proportion भी हो सकता है. Make sure that you mix resin and hardener continuously for 5 minutes, so that resin और hardener एक दूसरे में काफी अच्छे से dissolve हो जाए. अब मैंने मेरे गार्डन से कुछ फ्लावर्स और लीव्स कलेक्ट किए हैं और मैं इसको एक बुक में रख के माइक्रोवेव करने वाली हूँ फॉर 1 मिनट. एंड हियर आर ड्राइड फ्लावर्स एंड लीव्स आर रेडी. अब हम लोग इपॉक्सी कोस्टर्स बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने सिलिकॉन मोल्ड्स मार्केट से परचेस किए. इसके लिए हम लोग बेस डालेंगे इपॉक्सी का, उसके ऊपर हम लोग ड्राइड लीव्स एंड पेटल्स रखेंगे. और हम बना रहे सेकेंड टी कोस्टर, जिसमें हम लोग बटन्स ड्रिप करने वाले हैं. See how vibrant it is looking. और थर्ड कोस्टर के लिए हम लोग अब रेजिन में डब करने वाले हैं कुछ पर्पल फ्लावर्स. रेजिन आर्ट इज अ ग्रेट वे ऑफ प्रिजर्विंग व्हाटएवर यू लाइक. So now let's move to our fourth coaster. अब मैं ये कोस्टर बना रही हूँ ग्लिटर से. इसके लिए हम लोग यूज करने वाले गोल्डन ग्लिटर, और हमने इस रेजिन के छोटे पेंडेंट और किचन रिंग्स भी बनाए. जब रेजिन और हार्डनर एक दूसरे में मिक्स होता है तो इसमें होता है केमिकल रिएक्शंस, जिससे आता है बबल्स. ये बबल्स आप रिमूव कर सकते हो यूजिंग अ हॉट एयर गन. एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्लैक एंड डेकर, जिन्होंने हमें भेजी एक सुपर कूल हॉट एयर गन, जिससे हम लोग ये बबल्स 1 सेकेंड में ही रिमूव कर देंगे. हॉट एयर गन के टेम्परेचर्स 400 डिग्री तक जाता है, तो यूज इट वेरी केयरफुली. अब हम लोग बना रहे हैं रेजिन ट्रे, जिसके लिए हम लोग 4 अलग शेड्स यूज करने वाले हैं: ग्रीन, डार्क ग्रीन, व्हाइट एंड ग्लिटर. हमने ये कलर्स के लिए एक्रेलिक पेंट यूज किया है. हमने ये ट्रे बनाया ऑरोरा थीम में. ऑरोरा वो लाइट्स है जो नॉर्थ पोल के पास पाए जाते हैं, जिसमें ग्रीन कलर के वेवी शेड्स दिखते हैं. तो हम लोग यही थीम यूज कर रहे हैं हमारे ट्रे के लिए. फाइनली अब हम हमारा लास्ट कोस्टर बना रहे हैं इस ट्रे के थीम को मैच करने के लिए वही शेड्स में. आफ्टर कीपिंग इट असाइड फॉर 24 आवर्स, अब हमारे रेजिन ट्रे और कोस्टर सेट हो गए. तो सबसे पहले हम लोग डीमोल्ड करने वाले हैं हमारे रेजिन ट्रे को. और ये हो गया हमारा लाजवाब शानदार चमकदार ट्रे रेडी. लुक हाउ ब्यूटीफुल एंड शाइनी इट इज. एंड सिमिलरली नाउ वी आर डीमोल्डिंग ऑल द कोस्टर्स. और हमने जो पेंडेंट्स एंड किचन्स बनाए थे इपॉक्सी के, अब हम उसको भी डीमोल्ड करने जा रहे हैं. I have also made a bangle out of epoxy. Spray the colors the way you like. There is no limit to your imagination. So this is all for today. Do let me know in the comment box which resin art you like the most, and subscribe to this channel for more such videos. Till then, bye bye.